स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सिविल सर्व यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेरिग्नॉन थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने फिगर जो है वो निकाल लिए। तो मैंने ये दो फोर्सेस कंसीडर किए, ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स। ये वाला फोर्स मैंने पी कंसीडर किया है, ये वाला फोर्स मैंने क्यू कंसीडर किया है। जैसा कि मैंने पिछले में एक एग्जांपल के तौर पर चार फोर्सेस कंसीडर किए थे, F1, F2, F3, F4, वैसा ही मैंने यहाँ पर सिर्फ दो फोर्सेज कंसिडर किए हैं। और इन दो फोर्सेज का ये वाला रिजल्टेंट है हमारा, ये वाला फोर्स, ये रिजल्टेंट है। ओके, और रैंडमली मैंने ये यहाँ पर एक मोमेंट सेंटर O को कंसीडर किया है। ओके, तो हर एक फोर्स के ऊपर मैंने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो सबसे पहला ये जो हमारा परपेंडिकुलर है P फोर्स के ऊपर, उसे मैंने D1 एज्यूम किया है। ओके, D1, देन जो हमारे रिजल्टेंट है इसके ऊपर जो हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है उसे मैंने D2 एज्यूम किया है, D2। और जो हमारा Q फोर्स है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहे हैं O से, तो उसे मैंने D3 अज्यूम किया है। ओके, अभी P फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब इस वाले डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, उसे मैंने थीटा 1 अज्यूम किया है। देन Q फोर्स का जो एंगल है X एक्सिस के साथ, तो उसे मैंने थीटा 2 अज्यूम किया है। एंड रिजल्टेंट का जो एंगल है, तो ये वाला एंगल, तो उसे मैंने अल्फ़ा एंगल अज्यूम किया है। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा 1, थीटा 2 और अल्फ़ा है, तो सिमिलरली ये वाला एंगल आपका थीटा 1 आएगा, ये वाला एंगल आपका थीटा 2 आएगा, और रिजल्टेंट के साथ आपका जो एंगल है वो आएगा आपका अल्फ़ा। तो ये सिंपल ज्योमेट्री है। तो तीनों एंगल और जो सारे नोटेशंस थे, तो वो मैंने अभी यहाँ पर दे दिए। तो मैं इसे अज्यूम करता हूँ जेड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉन थ्योरम, द रिजल्टेंट की मोमेंट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग फोर्सेस। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही फोर्सेस अज्यूम किए, तो ये दो फोर्सेस का जो मोमेंट होगा, पी एंड क्यू फोर्स का जो भी कोई मोमेंट होगा अबाउट द मोमेंट सेंटर ओ, वही मोमेंट रिजल्टेंट का होगा अबाउट पॉइंट ओ। मतलब क्या है, रिजल्टेंट आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है रिजल्टेंट का, D2। सो R इंटू D2 इज इक्वल टू P फोर्स का क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D1, प्लस Q फोर्स का क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D3। इसी को हमें प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम RHS को कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं P और Q फोर्स का जो मोमेंट है वो हम कंसिडर करते हैं। तो नाउ अभी मैं क्या लिखता हूँ, RHS अगर मैंने कंसिडर किया, तो MP प्लस MQ। MP मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ P अबाउट पॉइंट O, और MQ क्या है, मोमेंट ऑफ Q अबाउट पॉइंट O, इज इक्वल टू ये दो फोर्सेस, ये दो क्वांटिटीज को मैं पुट कर देता हूँ, P इंटू D1 प्लस Q इंटू D3, क्योंकि MQ हमारा Q इंटू D3 है, MP हमारा P इंटू D1 है। ओके, इज इक्वल टू, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अभी हमारा D1 क्या है एंड D3 का है। ओके, तो मैं यहाँ पर सेपरेट ट्राइंगल्स निकालता हूँ। ये वाला ट्राइंगल अज्यूम कीजिए आप, पी फोर्स ने जो ओ पॉइंट के अबाउट जो ट्राइंगल फॉर्म किया, ये वाला, ये वाला हमारा फोर्स पी है, ये पॉइंट हमारा जेड है, और ये हमारा मोमेंट सेंटर है, और ये एंगल आपका थीटा 1 है। ओके, और ये जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है। ओके, तो ये D1, सो ये D1 क्या है आपका, OZ cos थीटा 1। ओके, OZ cos थीटा 1, सो हम PD1 को क्या लिख सकते हैं, OZ cos थीटा 1। सिमिलरली अगर हमने
ऐसी डायग्राम क्यू के क्यू फोर्स के लिए बनाएं तो वो आ जाएगी आपकी, ऐसा कुछ आएगा आपका। ये आपका क्यू फोर्स है, ये वाला फोर्स क्यू है, लेकिन ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, ये पॉइंट आपका जेड है, ये पॉइंट आपका ओ है, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है आपका थीटा थ्री, ये आपका परपेंडिकुलर जो यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, तो जैसा कि मैंने डी वन के लिए सब्सटीट्यूट किया तो वैसा ही मैं डी थ्री के लिए क्या लिख सकता हूँ, ओ जेड कॉस थीटा थ्री, इज इट क्लियर। सो क्यू इंटू ओ जेड कॉस थीटा थ्री, ठीक है, सिंपल सा सब्सटीट्यूशन किया है मैंने डी वन और डी थ्री के जगह, डी वन को मैंने लिखा है ओ जेड कॉस थीटा वन क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, सिमिलरली डी थ्री को मैंने लिखा है ओ जेड कॉस थीटा थ्री क्योंकि ये भी आपकी एडजेसेंट साइड है। इसे कंसिडर कीजिए और इसे नोटिस कीजिए। ओके, सो पी कॉस थीटा वन, सो पी कॉस थीटा वन क्या है, पी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब के पी एक्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय ओ जेड, प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा थ्री क्या है, क्यू फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम क्यू एक्स भी लिख सकते हैं, इंटू ओ जेड। ओके, बराबर है, देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अगर कोई रैंडम एफ फोर्स है जिसका एंगल है थीटा, ओके, उसको मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्प्लिट किया, ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ कॉस थीटा, बराबर है, और ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है उसे आप लिखते हो एफ साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा को आप एफ एक्स भी लिख सकते हो और एफ साइन थीटा को भी आप एफ वाई लिख सकते हो, तो वैसा ही मैंने यहाँ पर लिखा है, सिर्फ एफ फोर्स की जगह आपका यहाँ पर पी फोर्स है और एफ फोर्स की जगह आपका यहाँ पर क्यू फोर्स है, ठीक है, तो वही मैंने पी कॉस थीटा को पी एक्स लिखा है, क्यू कॉस थीटा को मैंने क्यू एक्स लिखा है क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ओके, तो ये हो गया आपके पी एक्स एंड क्यू एक्स, सो इज इक्वल टू ओ जेड को मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स आएगा, तो अभी देखिए पी एक्स प्लस क्यू एक्स को आप आर एक्स भी लिख सकते हो क्योंकि ये है आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी एंड क्यू के, तो आप इसी को समेशन एफ एक्स बोलते हो, समेशन एफ एक्स मतलब आपका आर एक्स है। ओके, सो नाउ जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था एफ कॉस थीटा को आप एफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है, इन द सेम मैनर आप एफ एक्स को एफ कॉस थीटा लिख सकते हो, वाइस वर्सा, सिमिलरली आप आर एक्स को क्या लिख सकते हो, अगर एफ एक्स की जगह आर एक्स है तो आर एक्स को आप आर कॉस थीटा लिख सकते हो, इज इट क्लियर। सो ओ जेड इंटू आर कॉस, रिजल्टेंट ने क्या एंगल बनाया है, अल्फा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, ठीक है दोस्तों, तो ओ जेड इंटू आर कॉस अल्फा, सो ओ जेड इंटू कॉस अल्फा। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने एक ट्राइंगल बनाता हूँ, तो ये आपका एंगल अल्फा है, ये आपका पॉइंट जेड है, ये आपका पॉइंट ओ है, और ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आपका डी टू, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी टू, और ये जो आपका फोर्स है ये वाला रिजल्टेंट है। ओके, तो देखिए ओ जेड कॉस अल्फा क्या मतलब क्या, ओ जेड इंटू कॉस अल्फा मतलब आपका डी टू है, इज इट क्लियर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर इंटू डी टू। तो देखिए तो हमने स्टार्ट किया था एम पी प्लस एम क्यू, सो हम एम पी प्लस एम क्यू को यहाँ पर वैसा का वैसा लिख देते हैं, तो ये आपका वेरिग्नॉन्स थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ओके, सो एम पी प्लस एम क्यू, एम क्यू का मतलब पी इंटू डी वन इंटू क्यू इंटू डी थ्री है, मतलब अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट फॉर्म बाय द ऑल अदर फोर्सेस, ठीक है, तो ये आपका वेरिग्नॉन्स थ्योरम का प्रूफ हो गया आपके पास। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।